मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अभी आज हम क्या देखने वाले हैं कि हम ये समझने वाले हैं कि कितने जन को इस प्रकार के डाउट होंगे माइंड में कि भगवान जो है वो तो उनका तो कोई आकार होता नहीं है, बराबर वे स्थित बन चुके हैं, अशरीरी बन चुके हैं, बराबर से अभी कैसे हैं। जितने भी भगवान आज तक अरिहंत बन चुके हैं वो सारे के सारे अभी सिद्ध बन चुके हैं, बराबर जो भी स्वीयरमान है जो अभी है तो वो नहीं, पर बाकी सारे के सारे सिद्ध बन चुके हैं। सबने सिद्ध की मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर ली है, जैसे कि हमने हमें ये राइट साइड में ये फोटो दिख रहा है, बराबर उनका कोई शरीर नहीं है ना तो आकार है, इनको क्या कहलाया जाता है, निराकार स्वरूप कहलाया जाता है। तो फिर जिनका कोई आकार ही ना हो, जिनका कोई शरीर ही ना हो, जिनका भी कोई पुद्गलों से वास्ता ही ना हो, तो उनका इस प्रकार से मूर्ति बनाने का क्या प्रयोजन होगा। हमें क्यों फिर एक आकृति वाली आकार सहित एक मूर्ति या प्रतिमा को बनाकर जिनालय में स्थापित क्यों करना चाहिए और उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए। इस प्रकार के हमें डाउट्स आते होंगे और कई सारे हमने लौकिक इसमें भी सुने होंगे कि इस प्रकार के कई जन को सवाल होते हैं मन में। सब कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, तो फिर भगवान को एक छोटे से मंदिर में बिठाने की क्या जरूरत है, भगवान तो हर हर जगह है ना। इस प्रकार का बहुत जन का इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और हमें लास्ट में अल्टीमेटली तो निराकार स्वरूप यानी कि मोक्ष का स्वरूप ही प्राप्त करना है, यही अचीव करना है। तो निराकार निराकार स्वरूप पाने के लिए हमें कोई आकार की क्यों जरूरत है। आकार यानी कि यहाँ पे जो मूर्ति है तो मूर्ति मूर्तियों की पूजा क्यों करनी है, मूर्ति को पधराना क्यों है जिनाले में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते होंगे कि मंदिर की तो कोई जरूरत नहीं है, बट हम हमें निराकार स्वरूप पाना है तो हमें कोई आकार की जरूरत ही नहीं है, बस ऐसे ही हम ध्यान में बैठ जाएंगे और हम निराकार स्वरूप की हम खुद प्राप्ति कर लेंगे। इस प्रकार के कई जन की दलीलें होती हैं, सवाल होते हैं। तो हमें हम इसके ऊपर पहले तो समझने का प्रयत्न करेंगे कि आकार आकार सहित भगवान की इतनी आवश्यकता क्यों है, तो ये हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई निराकार वस्तु होती है तो उसको ग्रहण हमें जो करना होगा, निराकार यानी कि जिसका आकार नहीं है, तो निराकार वस्तु को ग्रहण करने के लिए हमेशा हमें एक आकार वाली एक आकार सहित ऐसी वस्तु को वस्तु का आधार हमें लेना ही पड़ता है। तो ही हमें समझ में आएगा कि निराकार जो है वो क्या है, मतलब कि एक साकार मतलब कि आकार सहित वस्तु का हमें आलंबन लेना जरूरी है। तो हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि ये क्या है, एक फ्लावर है, मोगरा है। तो इस फ्लावर में ये तो फ्लावर आकार सहित हमें दिखाई दे रहा है, मोगरा मोगरा का ये फूल हमें दिखाई दे रहा है, पर इसमें से जो सुगंध आती है तो सुगंध का कोई आकार है, सुगंध हमें दिखाई दे रही है, जो फ्रेग्रेंस है तो फ्रेग्रेंस जो है या सुगंध जो है वो स्वयं निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। पर जो आपको सुगंध को प्राप्त करना होगा, आपको सुगंध का अनुभव लेना होगा, तो फिर आपको उसका आपको ये जो आकार सहित जो मोगरा है, ये जो फूल है, ये जो द्रव्य है, इसका आलंबन तो आपको लेना ही पड़ेगा, इसका आधार तो आपको लेना ही पड़ेगा। इस द्रव्य रूपी फूल के बिना फ्रेग्रेंस तो आपको प्राप्त हो ही नहीं पाएगी, बराबर। दूसरा हम और एक एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर एक वाटरमेलन दिखाई दे रहा है, तो इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट टेस्ट होता है। तो टेस्ट क्या है, इसका जो स्वाद है वो स्वाद भी निराकार है, स्वाद आपको दिखाई दे रहा है, स्वाद जो है टेस्ट जो है स्वीट टेस्ट वो भी निराकार है। आपको जो इसके स्वाद की अनुभूति लेनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस द्रव्य रूपी जो वाटरमेलन है तो उसका आधार तो आपको लेना ही पड़ेगा, एक बाइट आपको भरना ही पड़ेगा, तब जाके आप इसके जो टेस्ट है
उसकी अनुभूति कर पाओगे, यानी कि यहाँ पर द्रव्य का यानी कि आकार सहित इस वस्तु का आलंबन लेकर ही जो निराकार है वो टेस्ट की अनुभूति हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। ये सिंपल सा यहाँ पर हमने देखा दो एग्जाम्पल्स से। मतलब कि कोई भी कड़वी, समझो कि चाय है, तो कड़वी जो कड़वी चाय है तो उसको आपको मीठी करने के लिए आपको स्वीटनेस की जरूरत तो पड़ेगी ही ना, तो वो स्वीटनेस जो है वो निराकार है। स्वीटनेस आप ऐसी किस प्रकार से आप डाल पाओगे उसके अंदर, स्वीटनेस को आप पकड़ के कैसे लाके इसके अंदर डालोगे चाय के अंदर। आपको जो इस कड़वी चाय के अंदर आपको स्वीटनेस लाने, इसका टेस्ट लाना है, स्वीट टेस्ट लाना है, तो आपको एक किसी आलंबन लेना पड़ेगा ना, एक द्रव्य का, जो खुद उस जिसके अंदर स्वीटनेस है, तो एक द्रव्य का आलंबन लेकर ही, यानी कि शुगर, चीनी का आधार आपको लेना ही पड़ेगा, आलंबन लेना ही पड़ेगा, बराबर। जो स्वीटनेस, तभी आपको स्वीटनेस की अनुभूति तभी हो पाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, आप ऐसी स्वीटनेस लेने खरीदने जाओगे दुनिया में, दुनिया के किसी भी दुकान पे आपको ऐसी स्वीटनेस नामक कोई भी वस्तु नहीं मिलेगी। आपको जो स्वीटनेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई द्रव्य तो लेना ही पड़ेगा ना, जागरी लोगे, गुड़ लोगे, या फिर चीनी लोगे, कोई ना कोई एक स्वीट आपको द्रव्य लेना ही पड़ेगा जो आकार सहित होता है। तो आकार सहित वस्तु के द्वारा ही आपको जो निराकार ऐसी स्वीटनेस को आप ग्रहण कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सिमिलरली यही सेम चीज है, जो आपको निराकार, जो परमात्मा, सिद्ध भगवंत कैसे हैं, जो मोक्ष है, मोक्ष की अवस्था आपको प्राप्त करनी है, यानी कि आपको निराकार होना है, आपको खुद को बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आकार सहित जो प्रतिमा जी हैं, जो जिनालय में जो स्थापित हैं, जिनकी अंजन शलाका, प्राण प्रतिष्ठा पूज्य श्री आचार्य भगवंत द्वारा की हुई है, तो उसका आपको, उसका आधार तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ही आप इस आकार का सहित भगवान का आधार लेकर ही आप इस निराकार स्वरूप तक पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। ये खास ध्यान रखना है। और इसी तरीके से प्रभु कैसे है, सर्वत्र कहला जाता है कि सब जगह है, फिर भी उनको मंदिर और मूर्ति के आलंबन के रूप में आपको आधार तो लेना ही पड़ेगा, मूर्ति के आलंबन तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो ही आप प्रभु को आप पा पाओगे, बराबर। उनकी अनुभूति, उनका जो आकृति है, यानी कि यहाँ पे जो शेप है, आकार सहित है, तो उनको आप देखोगे तभी आप, आपको उस प्रकार के भाव आ पाएंगे। बट आप इसी तरीके से आप ध्यानस्थ बैठ जाओगे, तो आप ध्यान किस चीज का करोगे, किसी निराकार वस्तु का ध्यान कैसे किया जाए। एक आलंबन, इस हमारा जो ये स्टेज है, इस स्टेज पर एक आलंबन लेना तो बनता ही है, आवश्यक है, बराबर। वरना ध्यान आप किस चीज का करोगे, माइंड आप ध्यान करने बैठोगे तब कुछ ना कुछ आप तो इमेजिन करोगे ही ना, मन तो ब्लैंक रहने नहीं वाला, कुछ ना कुछ तो आलंबन लेना ही पड़ेगा ना, कि आप कुछ एक आकार का आप आलंबन ले रहे हो। कोई ज्योत को देख कर ही कौशिक ध्यान में ध्यानस्थ हो जाता है, तो वो जो ज्योत है, अग्नि की जो ज्योत है, वो भी आकार सहित है, या फिर प्रभु की प्रतिमा या फोटो है सामने, या फिर नवकार मंत्र के जो अक्षर है वो लिखे हुए हैं सामने, कुछ ना कुछ आकार तो लेना ही पड़ेगा ना ध्यान करने के लिए। तो इसी से ये प्रूव हो जाता है कि जो मूर्ति है, प्रभु की जो प्रतिमा है, वो पधराना क्यों महत्व है, महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इनके आलंबन से ही हम निराकार तक हम पहुंच पाएंगे, नहीं तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप जिस भगवान को आप जानते ही नहीं हो, जो देखा ही नहीं है ना सुना है, तो आप, आपको क्या पता वो कैसे हैं, जो आप देखोगे ही नहीं, आकार में आप देखोगे ही नहीं, तो आपको क्या पता कैसे हैं, बराबर। इस कारण ये ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि जो जो भी ये टीवी पर या फिर रेडियो वेव्स के द्वारा जो भी इस म्यूजिक एंड ऑल जो भी बजे बजते हैं, तो वो भी किस प्रकार से हो पाते हैं, जो शब्द के जो परमाणु है, भाषा वर्गणा है,
तो उस कारण ही होते हैं, क्योंकि भाषा वर्ण के जो पुद्गल स्कंध है वो हर जगह व्याप्त है इस संसार में, बराबर हर जगह है। बट क्या आप सुन सकते हो, आप ऐसे ही जो चौदराज लोक में जो भाषा वर्ण के पुद्गल स्कंध है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में जो शब्द है, पर शब्द के जो परमाणु है, वो इस चौदराज लोक में, इस विश्व में हर जगह प्रसरित है, बट आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। आपको एक ये जो फ्रीक्वेंसी पे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो म्यूजिक बज रहे हैं वो आपको सुनने के लिए आपको एक साधन की जरूरत तो पड़ेगी, एक आलंबन तो लगेगा ही ना। जो ये रेडियो है, जो ये फ्रीक्वेंसी स्कैच करता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्कैच करता है, 93.5, 101 या 92.5, जो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, तो उसके वो कैच करता है, तभी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपको सब जो भी साउंड होगा, म्यूजिक होगा, तब आप सुन पाओगे, या फिर न्यूज होगा, जो भी होगा, तब आप सुन पाओगे। डायरेक्टली आपको ये भी आप नहीं सुन पाओगे, भले ही यहाँ पे विश्व में ये सब मौजूद है, आपको एक आलंबन की जरूरत तो पड़ती ही है। सिमिलरली टीवी भी हो, तो टीवी में भी जो आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी जो जो डिश एंटीना है, जो भी है एंटीना के कनेक्शन के द्वारा या केबल कनेक्शन जो भी है, तो उसके थ्रू ही आप देख पाते हो, बराबर। तो यही होता है कि एक साधन की जरूरत पड़ती है। तो इसी इसी तरीके से प्रभु को पाने के लिए हमें प्रतिमा जी का आधार लेना बहुत ज्यादा आवश्यक ही नहीं, पर अनिवार्य है, कंपलसरी है, ये ध्यान रखना है। प्रभु भी हर जगह है, जैसे हमने क्या देखा कि ये सब जो साउंड फ्रीक्वेंसीज है, सब जगह है, प्रभु भी हर जगह है। पर आपको एक साधन यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर रेडियो है, रेडियो रूपी जो साधन है, आलंबन है, उसका आपको हेल्प लेना पड़ेगा, तभी आप ये म्यूजिक और जो भी है साउंड वेव्स आप सुन पाओगे। इसी तरीके से प्रभु भी हर जगह है, सब जगह व्याप्त है, सिद्ध शिला में अनंत सिद्ध भगवंत है, बट आपको प्रभु को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिमा जी को उनका दर्शन वंदन पूजा सब करना ही पड़ेगा जिनालय में जाके, ये हमें ध्यान रखना है, बराबर। तो ये पॉइंट एक क्लियर हो गया। अभी दूसरा पॉइंट ये भी है, कितने जन क्या कहते हैं कि ये जो मूर्ति है भगवान की वो कैसी है, जड़ है, ऐसा कहते हैं ना, भगवान की जो मूर्ति है, कितने जन को क्या लगती है कि वो सिर्फ एक पत्थर है, वो जड़ है। तो पत्थर की पूजा क्या करना, पत्थर की पूजा करने से आत्मा का कल्याण कैसे होगा, हम उससे अच्छा सिर्फ ध्यान हो, ध्यान में जाके बैठ जाते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं, तो उससे हम मोक्ष में, हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, भगवान का दर्शन या भगवान की पूजा करने से क्या होने वाला है। भगवान जिस जिसको आप भगवान कह रहे हो वो तो क्या है, भगवान है भी नहीं, वो एक पत्थर है, वो जड़ है, अजीव वस्तु है, तो आत्म कल्याण होगा कैसे। इस प्रकार के भी सवाल कितने जन के मन में डाउट्स होते हैं, तो हमें ये इसमें ये समझना है कि यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, जो फोटो दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, निर्जीव है, जड़ है। ये फोटो जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, मटके दिखाई दे रहे, घर दिखाई दे रहा है, जो भी है यहाँ पे चित्र, तो ये सब क्या है, जड़ है या चेतन है। तो ये जड़ ही है ना, यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग की हुई है, पर और जो भी टीवी में भी आप कोई सीरियल्स देखोगे तो वो सब क्या है, जो आपको पिक्चर्स है ना, खाली सिर्फ पिक्चर्स है, वो ऑलरेडी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की हुई है और वो टेलीकास्ट हो रहा है, पर वो जो टीवी में दिखाई दे रहा है सब जड़ है। फिर भी उसको देखकर आपके मन में अलग अलग भाव आएंगे ही ना, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि पानी से, या फिर समझो कि इसके अंदर क्या है, दही है, दही वाले मटके हैं, तो ये फोटो आप देख के आपको मन हो जाएगा कि नहीं मुझे भी दही खानी है। मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या है कि आप जो भी फोटोज देखते हो, जो जड़ फोटोज है, निर्जीव है, ये सब क्या है, निर्जीव आकार है, तो इसका असर हमारे भावों पर अवश्य होता है, बराबर। आप कुछ देख लोगे टेस्ट, कुछ टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाते हैं टेस्टी कुछ खाने का, आपको प्लेट दिखाई देगा तो उसको देख के आपके भाव तो बदल ही जाएंगे ना, भाव हो जाएंगे कि नहीं मुझे भी खाना है, मैं भी ये बनाऊंगा, या फिर कोई अच्छी एक सीनियर सीनरी दिखाएंगे,
तो आपको मन हो जाएगा कि हाँ इस जगह मुझे भी जाना है, यहाँ पर मैं भी जाऊंगा। तो इसी प्रकार से ये एक बात साबित हो जाती है कि जो जड़ वस्तु है उसकी असर आत्मा पर होती है, डायरेक्टली चेतन पर होती है, बराबर। ये जो जड़ वस्तुएं हम जो देखते हैं, चित्र, आकार, फोटोज जो भी है, तो उसकी असर हम पर होती है। तो इसी कारण जो भगवान की जो भी मूर्ति है, प्रतिमा है, वो भी भले जड़ हो, वो भी पत्थर से बनी हो, फिर भी हमारे आत्माओं पर उसका शुभ परिणाम होता है, अच्छा असर होता है। पर जो आप दुष्ट ऐसे कोई दृश्य देखोगे जो खराब है, तो हमारे अंदर भी इस प्रकार के खराब दुष्ट भाव आ जाएंगे। और आप जो अच्छे अच्छे ये सब दृश्य देखोगे तो उसके ऊपर आपको पॉजिटिव असर दिखाई देगा। आप जब भी मूवीज देखते हो तो उसके अंदर ऐसे कोई दृश्य होंगे जिसमें फाइटिंग सीन्स होंगे, तो उसमें आपको भी क्रोध आ जाएगा, ये तो होता ही है ना। या फिर कोई रोने वाले सीन्स है, इमोशनल सीन्स है, तो वो देख के आपको भी शोक हो जाएगा, दुख हो जाएगा। तो सिंपल ये कहना है कि जो भी दृश्य हम देखते हैं, आकार देखते हैं, तो उसका डायरेक्ट असर हमारे ऊपर होता ही है, ये एक प्रूवन वस्तु है, बराबर। तो इसी तरीके से जब भी हम भगवान का दर्शन करते हैं, मतलब यहाँ पर ये जो फोटो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फोटो है, तो इसके अंदर कोई ये जो सीनरी है, वो सीनरी देखकर आपको जो राग उत्पन्न होता है, सीनरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है कोई जगह, तो आपको जो राग उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार से आप जो हमारे वितराग भगवान का, उनका जो आप दर्शन करोगे, तो हम के हमारे आत्मा में भी वितरागता नाम का जो गुण है वो प्रकट होता है, बराबर। जिस तरीके से राग वाले दृश्य देख के हमारे भाव भी उस प्रकार से कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा राग उत्पन्न होता है हमारे भावों में, आत्मा में इस प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो उसी प्रकार से वितरागी भगवान का दर्शन करके, भले वो पत्थर से बनी हुई प्रतिमा हो या लकड़े से, काष्ठ से बनी हुई प्रतिमा हो, तो वितरागी प्रभु की प्रतिमा को का दर्शन करके हमारे आत्मा में भी वितरागता गुण वो प्रकट होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, दशवैकालिक सूत्र में ये भी कहा गया है कि कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति हो, ब्रह्मचारी कोई व्यक्ति हो, तो उसको उसके जो घर है, जहां पर भी वो रहता है, तो उस उसके घर में उसके जो वॉल्स है उसके ऊपर इस प्रकार की, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार की पेंटिंग्स, कोई लेडीज की पेंटिंग्स भी रखनी अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं, मतलब उसके ऊपर नजर भी नहीं डालनी चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि ये जो जड़, भले ये चित्र जड़ है, फिर भी इसके अंदर इतना सामर्थ्य है इस जड़ चित्र में, कि वो जो ब्रह्मचारी के अंदर उसके मन का जो भाव है वो भी बिगड़ सकते हैं। तो इस कारण इस प्रकार के चित्र उसको रखने भी नहीं चाहिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है श्री दशवैकालिक सूत्र में, बराबर। तो जैसे ये नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसी तरीके से जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, बराबर। दूसरा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो जो भी मदिरा का सेवन करता है, तो मदिरा क्या है, मदिरा एक जड़ वस्तु है, बराबर, निर्जीव वस्तु है ना, वो जीव नहीं है। पर मदिरा का सेवन करने से क्या होता है, जो भी व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसके आत्मा पर क्या असर होता है, वो सब भूल जाता है, होश खो जाता है, होश खो बैठ बैठता है, और उसको मतलब सही गलत का फिर उसको कोई ये नहीं होता है, क्या कहते हैं उसको, विवेक नहीं होता है, उसकी विवेक दृष्टि वो चली जाती है। मतलब कि जो भी विघई वस्तु है, महाविघई जो भी है, मदिरा हो या कोई भी ऐसी वस्तु हो, तो ये सारे के सारे क्या है, जड़ वस्तुएं हैं। तो वो खाकर, उसका सेवन करके डायरेक्ट आत्मा के ऊपर वो असर होता है। तो वापस से यहाँ पे यही प्रूव होता है कि आहार रूपी जो वस्तुएं हैं, बराबर, मतलब कोई भी जड़ वस्तु है, उसका डायरेक्ट असर, नेगेटिव असर आत्मा के ऊपर हो सकता है।
आत्मा खुद उसकी जो विवेक दृष्टि है, विवेक गुण है, वो खो बैठता है बराबर। दूसरा है कि जो चश्मे के जो ग्लास हैं, मतलब जो शेड्स आप पहनते हो, या फिर ये जो स्पेक्टेकल्स है, उससे भी मतलब ये क्या है, जड़ वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, फिर भी उसको पहनने से क्या होता है, आप क्लियर देख पाते हो। मतलब सिंपल यही वस्तु है कि जड़ वस्तु का, या फिर आप जो शेड्स पहनोगे ब्लैक कलर के, तो आपको सारी की सारी दुनिया ब्लैक दिखाई देगी। मतलब कि पूरा आपको लगेगा कि हाँ अंधेरा छा गया है, ऐसा लगेगा। उसी तरीके से जो आंख के अंदर कोई मिर्ची ना डाल लेगा, मिर्ची क्या है, जड़ वस्तु है, तो फिर क्या होगा, जल जाएंगी ना आंखें। तो मतलब जिसको भी इस प्रकार से डाउट होंगे कि जड़ वस्तु का असर नहीं नहीं होता, आत्मा पर जड़ वस्तुओं का असर नहीं होता, तो उसे यही प्रैक्टिकल ये करना चाहिए, आंख में थोड़ा सा ये जड़ मिर्ची वो डाल के देखे तो सही, तो आंखें जल जाएंगी बराबर। बहुत ज्यादा आत्मा को पीड़ा होगी, बहुत ज्यादा वेदना होगी, सहन नहीं कर पाएंगे बराबर। तो जो भी इस प्रकार के जिसको भी डाउट्स हों, तो ये सारे एग्जाम्पल से आप उसको समझा सकते हो कि मूर्ति जो है, जिनाले में जो भगवान की जो प्रतिमा है, उसको हम जड़ कहना ही नहीं चाहिए, ना मानना भी नहीं चाहिए बराबर। साक्षात भगवान विराजमान है, उसी नजरिए से हमें देखना चाहिए, एक खास ध्यान रखना है बराबर। और यहाँ पर जो कोई दीक्षा भी स्वीकारता है, जो भी मुनि भगवंत होते हैं, तो मुनि भगवंतों के पास उनके उपकरण भी होते हैं, ये जो वाइट कपड़े पहनते हैं वे, और फिर गोचरी खाने के लिए, वापरने के लिए वे पात्र का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे जो वस्तुएं हैं, तो उसके द्वारा भी, मतलब उनका दर्शन करके भी जो अन्य व्यक्ति हैं, उनके भाव जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं, उनके अंदर अनुमोदना के भाव आ जाते हैं कि हाँ ये सब उपकरण है, चारित्र के उपकरण है ना। तो यही है कि आप कोई भी एक वस्तु देखोगे, कोई भी एक जड़ वस्तु देखोगे, तो उसका आपको 100% असर होगा ही आपके आत्मा पर। तो उसी प्रकार से प्रभु स्वयं भी, उनकी उनकी जो प्रतिमा है, प्रभु की जो प्रतिमा है वो कैसी है, भले ही वो पाषाण से बनी है, मतलब कि पाषाण मतलब कि पत्थर, या फिर कोई धातु से बनी है, या काष्ठ से बनी है, फिर भी उनका दर्शन करके हमारे जो हमारा जो आत्मा है उसमें बहुत ज्यादा संवेदन उत्पन्न होता है बराबर। इस कारण कभी भी प्रभु की भक्ति, मतलब उनका दर्शन करना हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए बराबर। हमें जो ध्यान करने भी बैठना हो, तो प्रभु की प्रतिमा के समक्ष ध्यान करने बैठना चाहिए। ऐसे ही बस आंख बंद करके एसी के रूम में बैठकर आप ध्यान नहीं कर सकते हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको प्रभु का आलंबन लेना तो पड़ेगा ही, जो आपको ये स्टेज जो पार करना हो, तो ये ध्यान रखना है। दूसरे कितने जो मूर्ति पूजा के फेवर में नहीं होते, विरोधी होते हैं, फिर भी वे क्या करते हैं, जब धनतेरस का जो दिन आता है, तब वे क्या करते हैं, जो ये बुक्स है, बुक्स भी क्या है, जड़ है ना, ये तो रियल नहीं है, ये भगवान नहीं है, फिर भी इसकी पूजा करते हैं, चौपड़ा पूजन करते हैं। और जो सिक्के होते हैं, लक्ष्मी कहते हैं उनको, पैसे होते, सिक्के होते हैं, उनका सब क्या करते हैं, सब ये करते हैं, धोते हैं पानी से, जो भी वो क्रियाएं रहती है वो सब करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये सब क्यों, ये भी सब जड़ है, तो आपको ये सब जड़ है, फिर भी आप इसका पूजन करते हो, तो भगवान जो है वो भी मूर्ति है, तो वो भी जड़ है। आपको जो ऐसा लगता है कि जड़ है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, तो वो यहाँ पर क्या होता है, गलत हो जाता है बराबर, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो भी दादा दादी जी जो भी हों, उनके जो मतलब जो स्वर्गवासी हो गए हों, तो उनके उनका जो फोटो जो भी घर के अंदर रहता है, फोटो फ्रेम्स होती है, तो उसके सामने भी हाथ तो जोड़ते ही है ना लोग। उनके जो बेटे होते हैं, पोते होते हैं, पोतियां होती हैं, तो वो सारे के सारे जो फोटो है, दादा दादी जी के फोटो, उनके सामने भी हाथ तो जोड़ते ही है ना, तब भी उनको भाव आता ही है। तो फिर भगवान की जो मूर्ति है बराबर, तो उनके सामने
उनको भी हम क्यों नहीं जोड़ सकते उनके सामने हाथ, यानी कि जो मूर्ति है, मतलब कि प्रभु की जो प्रतिमा है, जो उनकी मूर्ति है, उनका पूजा करना नहीं चाहिए, या फिर मूर्ति पूजा के जो विरोध करने वाले होते हैं तो वो सब यहीं पे गलत पड़ जाते हैं, बराबर। तो ये ध्यान रखना है। फिर आगे हम ये देखेंगे कि जो भगवान की जो प्रतिमा जी है, तो उनकी प्रतिष्ठा किस तरीके से की जाती है, अंजन शला का विधि वगैरह ये सब करते हैं, जो आचार्य भगवंत होते हैं ये सब करते हैं, और फिर उनके अंदर प्राण पूरते हैं, प्राणों की पूर्ति करते हैं उनके अंदर, मतलब कि वो फिर जड़ ही नहीं बल्कि वो जीवंत प्रतिमा कहलाए जाते हैं, साक्षात भगवान जैसे कि है ना, उस तरीके से उसी नजरिए से हमें देखने हैं, बराबर। जैसे कि रियल भगवान हो, रियल भगवान हमारे समक्ष विराजमान है, बस उसी नजरिए से फिर हमें देखना है उनको, उसी नजरिए से हमें दर्शन करना है उनको, ये ध्यान रखना है, बराबर। क्योंकि जो साधु, जो भी आचार्य भगवंत होते हैं, वो क्या करते हैं, इस प्रकार के महाप्रभावी मंत्रों का जाप करते हैं, पूरी जो विधि करते हैं, तो उसके द्वारा ये जो जो पत्थर जो थी पहले, या फिर जो मार्बल था, या फिर जो भी रत्न या काष्ठ था, तो उसके अंदर क्या, वो एक प्रभु का एक साक्षात स्वरूप हो गया है, मतलब आप इसका बाद में दर्शन करोगे, पूजा करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपके जो भाव है दर्शन करने से, आपके जो भी कर्म है, कर्मों का क्षय हो जाएगा, और जो भाव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, बराबर। जो भी कषाय हैं, दोष है, वो सब शांत हो जाएंगे, आपकी जो चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, वो सब शांत हो जाएंगी। इस प्रकार का वो क्रिया होती है, जिसको अंजन शला का प्राण प्रतिष्ठा वो सब कहते हैं, ये ध्यान रखना है, बराबर। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है भगवान की, तो ये पद्मासन मुद्रा में यहाँ पे उनको यहाँ पे स्थापित किया गया है, बराबर। इसको हम ये भी कह सकते हैं पर्यंकासन भी कहते हैं, बराबर, इस मुद्रा को। तो ये एक मुद्रा है, और दूसरी मुद्रा है जो भगवान खड़े रहते हैं, मतलब कि एक काउसक मुद्रा कहते हैं, या फिर जिन मुद्रा जो यहाँ पे आपको फोटो में दिखाई दे रही है। तो इस दो मुद्रा में प्रभु की प्रतिमा को स्कल्प्ट किया जाता है। तो ये दो मुद्राओं में ही क्यों प्रभु की प्रतिमा को स्कल्प्ट किया जाता है, क्योंकि प्रभु जारे अरिहंत अरिहंत भगवान जब निर्वाण, जब उनका आयुष्य की समाप्ति होती है और वे मोक्ष पधारते हैं, मतलब कि सिद्ध स्वरूप की उनको प्राप्ति होती है, तो उस समय अरिहंत भगवान बस ये दो मुद्राओं में ही होते हैं, या फिर इस प्रकार के काउसक मुद्रा यानी कि जिन मुद्रा में, या फिर इस प्रकार की पर्यंकासन या फिर पद्मासन, इस प्रकार की मुद्रा, बस ये दो मुद्राओं में ही उनको मोक्ष की अवस्था की प्राप्ति होती है। तो आप कोई भी जिनालय में, कोई भी देरासर में आप जाओगे, तो आपको बस ये दो ये प्रकार के दो ही मुद्राएं आपको दिखाई देंगी, और वो ही पूज्य होती हैं, क्योंकि हमें पूजा, हमें जो कर्म रहित अवस्था होती है, उस प्रकार के जो सिद्ध अवस्था जो जिन्होंने प्राप्त की है, बस उन्हीं भगवान की हमें पूजा करनी होती है। और बस ये दो मुद्राओं में ही भगवान ने, भगवान कर्म, संपूर्ण कर्म से रहित हो चुके होते हैं, और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। तो इस कारण से बस यही दो मुद्राएं होती है, वही पूज्य होती हैं, उनकी ही पूजा, नव अंग पूजा करनी चाहिए, नव अंगों पे, ये ध्यान रखना है, बराबर। तो प्रभु के दर्शन से क्या होता है, हमारे अंदर जो भी काम क्रोध ये सब जो भी होते हैं, जो भी ये सब कषाय होते हैं, जो भी ये सब अवगुण होते हैं, वो सब नाश, उनके सबकी वो सब नाश हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने खुद महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि जिनाले में जाते ही आप दुनिया भूल जाते हो, मतलब कि आपके संसार, आपके घर में, संसार में क्या हो रहा है, कौन सी क्या चिंता है, वो सब आप भूल जाते हो, और आप बस प्रभुमय हो जाते हो, एक प्रकार की शांति की अनुभूति होती है। तो ये सब आपने अनुभव किया होगा, नहीं किया होगा तो आपको जरूर करना चाहिए, जिनाले में दर्शन करना चाहिए। और जब भी प्रभु के दर्शन आपने किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि इनके हाथ में कोई भी एक अस्त्र शस्त्र भी नहीं होता है, या फिर इनके जो फेस है, तो इनका जो फेस है उसके
फेस पर कोई क्रोध भी आपको दिखाई नहीं देता है कि वे उनको गुस्सा आ रहा हो। जो आप एक क्रोधी फेस देखोगे तो आपके आपके भाव भी कैसे हो जाएंगे। जब एक किसी का आप फेस देखोगे जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उस वैसे फेस को देख के आपको खुद को डर लगेगा, या फिर आपको क्या लगेगा, आपको खुद को भी डर लगेगा या फिर आपको खुद में गुस्से की अनुभूति हो जाएगी। बट भगवान अरिहंत भगवान का मुखमंडल कैसा है, शांत, शांति वाला है, पूरा शांत है, प्रशांत, उपशांत टाइप का उनका फेस के फीचर्स हैं। ज्यादा यहाँ पे हंसते भी नहीं है प्रभु, एकदम एक नॉर्मल, एक गंभीर अवस्था में उनकी मूर्ति है बराबर। दूसरा, उनके जो हाथ है, जो पैर हैं, उनमें भी इस प्रकार के पोजेज या पोजिशंस नहीं है कि वे डांस करते हो, या फिर कुछ प्रकार के ऐसे अलग अजीब पोजेज भी नहीं है कि वो देख के आपको कुछ और अलग प्रकार के भाव आ जाएं। आपको कहीं भी इनके पूरे संपूर्ण मूर्ति में आपको उनका दर्शन करके बिल्कुल भी आपको काम या विकार के भावनाएं प्रज्वलित नहीं होंगी। इनफैक्ट क्या हो जाएगा, निर्विकार हो जाओगे आप बराबर। निर्विकारिता का गुण आप में आ जाएगा, सारे विकार वो विकारों का नाश हो जाएगा। तो इस कारण हमें जो ये मतलब जो साकार मतलब कि आकार सहित इस प्रकार की जो प्रभु की प्रतिमा है, तो वो एक बहुत श्रेष्ठ आलंबन बनता है हमारे जो भी अंदर के जो कषाय हैं, अवगुण है, दोष है, उनको नाश करने के लिए। और एक एग्जाम्पल आपने, हाँ फिर अभी हम ये देखेंगे कि एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि प्रभु का जो आकार है उसका हर रोज दर्शन हो, यानी कि प्रभु का दर्शन हर रोज हो, उसके लिए एक एक पिताजी ने क्या किया था। पिताजी ने उनका जो एक घर था, घर के अंदर एक ये डोर था, तो डोर का जो हाइट था वो कम कर दिया था, शॉर्ट कर दिया था, मतलब कि आपको जो उसके यहाँ से वहां जो आपको पास ऑन होना हो उस डोर से, तो आपको झुकना ही पड़ेगा। आप झुके बिना आप अंदर यहाँ से वहां आप पास कर ही नहीं सकते। और वहां पर ऊपर प्रभु की एक आकार, एक प्रतिमा टाइप वहां पर कार्विंग करवाया था। तो उनका जो पुत्र था वो दिन में जितनी भी बार घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको उतनी बार उसका मस्तक झुका कर ही, और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रभु की जो प्रतिमा का जो कार्विंग करवाया था, तो उसकी इच्छा न होते हुए भी उसको वो देखनी ही पड़ती थी। तो इस कारण बार 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 यहाँ पे जो भगवान की जो प्रतिमा का दर्शन हो के, मतलब भले ही उसको इच्छा नहीं थी फिर भी वो दर्शन तो हो ही रहा था, उसको झुकना तो पड़ ही रहा था। उस कारण वो रोज ही आप जो एक फोटो, एक चित्र आप रोज ही रोज देखोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपको आपका जो माइंड है उसमें वो एक इम्प्रेशन पड़ जाएगा, आपको एकदम याद रह जाएगा, एक मेमोरी के तरह, एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी तरीके की तरह वो आकार बैठ जाएगा, स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ जाएगा। फिर क्या हुआ, एक बार फिर बाद में उनके जो ये जो पुत्र है उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद वो एक स्वयंभू रमण नाम के समुद्र में वो एक फिश के तरीके से उसका उत्पत्ति हुआ। आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा है वो एग्जाम्पल, एक फिश बराबर। तो फिर वो उस फिश क्या करते हैं, फिर ओशन में, स्वयंभू रमण समुद्र यानी कि ओशन में क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहां स्विम करते रहते हैं। तब एक बार उसको क्या हुआ, उस ग्रैंड ओशन में उसको एक जो प्रभु के आकार वाला एक उसको फिश दिखाई दिया। कैसा, एक फिश था पर वो फिश का शेप भगवान के शेप की तरह था। फिर उसको अचानक से याद आया, अरे ये प्रकार का शेप मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। वो सोच में पड़ गया, वो विचारों में गुम हो गया, ध्यानस्थ हो गया कि कहाँ देखा है, सोच में पड़ गया। तब उसको जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, और फिर उसका जो पूर्व भव था वो सब उसको याद आ गया कि
जिन मूर्ति का दर्शन करने के लिए मेरे पिताजी ने क्या किया था, ये सब किया था, और हर रोज में इच्छा नहीं थी, फिर भी इस प्रकार के आकार के जो प्रभु की प्रतिमा थी उनका दर्शन रोज ही में मुझे करना पड़ रहा था। तो इस बात का उसे बहुत ज्यादा पश्चाताप होने लगा कि ये सब तब मुझे ये सब मिला था, पर अभी मुझे इस फिश के भाव अभी मुझे प्राप्त हुआ है, और मुझे यहाँ पे साक्षात जिन मूर्ति का दर्शन तो हो नहीं पाएगा, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे जो आकार है वो दिख वो उसका दर्शन हो गया, और अभी उस कारण अभी उसे जाति स्मरण ज्ञान के कारण उसके आत्मा में जो उसने अंकित की हुई थी, आत्मा में अंकित हुई थी ना उसके सांस में एक स्ट्रांग मेमोरी जो पड़ गया था, जिन मूर्ति का जो आकार उनका जो फोटो जो कार्विंग था उसका स्ट्रांग एक मेमोरी एक इम्प्रेशन बैठ गया था, तो उसे वो बार 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 याद करने लगा, और मन में ये जो आकार है उसी का उसने क्या किया, आलंबन लेने लगा, और उसी प्रकार से वो क्या करने लगा, मन में ही मानसिक मन में ही वो उस आकार की पूजा और सेवा और वंदन वो सब करने लगा। विचारो, मतलब यहाँ पर हम ये एक क्लियरली एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है कि ये जो फिश है तो उसको भी आकार का आलंबन लेना पड़ रहा है, बराबर, मन में उसके उससे जो ये आकार जो बैठ गया था माइंड में, भगवान का जो शेप है जो आकार है जो उसने पूर्व भाव में उसने दर्शन किया था हर रोज, तो वो उस आकार का आलंबन लेकर ही वो पूजा वगैरह वो सब मन में कर रहा है, दर्शन भक्ति वो सब करने लगा, और साथ ही साथ इतना ही नहीं साथ ही साथ वो क्या करने लगा, फिश होने के बावजूद भी वो क्या करने लगा, व्रत पचखांड वो सब वो लेने लगा, और समाधि के साथ ही वो सीधा फिश में से सीधा कहाँ गया, सीधा देवलोक में गया, मतलब नेक्स्ट भाव उसका क्या हुआ, सीधा डायरेक्ट वो देव बना। तो आप यहाँ पे एक इस दृष्टांत के द्वारा आप ये समझ सकते हो कि भले ही इच्छा ना हो, भले ही इच्छा ना हो, फिर भी जो प्रभु की प्रतिमा है उसका या फिर कार्विंग है या फिर आकार है या शेप है उसका दर्शन करने से भी क्या हो सकता है, फिश जैसे भाव में उत्पन्न होने के बाद भी जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हो सकता है, और साथ ही साथ एक अच्छी गति, मतलब कि इससे और बुरी गति हो सकती थी ना इसकी, फिश के भाव के बाद और कुछ भी उसको अपकाए, मतलब कि पानी के ऊपर बहुत ज्यादा राग के कारण वो अपकाय का जीव भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता था, या फिर अलग फिश ऑक्टोपस कुछ भी बन सकता था, क्योंकि फिश क्या खाते हैं, दूसरी फिशेस को खाते हैं, है ना, मांसाहार करते हैं, बराबर, तो दुर्गति तो हुई नहीं, बट सीधा से डायरेक्ट वो उसकी सदगति हो गई, देवलोक में उत्पत्ति हुई, और उसके बाद वो आगे और भी ज्यादा वो फिर उसका भव जो है वो सुधर गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भले ही हमें इच्छा ना हो फिर भी हमें क्या करना चाहिए, जो आलस है वो सब का प्रमाद है, आलस है उसका त्याग करके हमें क्या करना चाहिए, हर रोज और जितना हो सके उतना जो श्रेष्ठ जो आलंबन हमें प्राप्त हुआ है इस भाव में वो है जिन बिंब अरिहंत भगवान की प्रतिमा, उनकी पूजा करनी चाहिए, मन में भी जो आपको ध्यान करना हो तो उनकी उनका आकार माइंड में आपको वो इमेजिन करना है, बराबर, उनकी भक्ति करनी है, तो हमारा कल्याण हो सकेगा, ये खास ध्यान रखना है, बराबर। तो इतना हमने देख लिया, अब हम आगे क्या देखेंगे, तो जब भी हम ये देखेंगे कि जब भी हम जिनालय में हमें जाना हो तब हमें क्या करना है, पांच प्रकार के जो अभिगम है उनका पालन हमें करना है, बराबर। यहाँ तक हमने क्या देखा कि प्रभु की प्रतिमा का प्रभु का पूजा क्यों करना चाहिए, उससे क्या लाभ होते हैं वो लास्ट क्लास में देखा, ये क्लास में हमने ये देखा कि प्रभु की प्रतिमा को जड़ समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए, बराबर, जो आकार है उसका आलंबन लेना आवश्यक है, प्रभु प्रतिमा का हमें आलंबन लेना कंपलसरी है, बस ऐसे ही हम ध्यान में नहीं बैठ सकते, ध्यान करने के लिए भी आकार की जरूरत है, प्रभु की जरूरत है ही, ये हमने समझ लिया।
बराबर वेरियस एग्जाम्पल्स से। अभी हम ये स्टार्ट करेंगे कि प्रभु जिनालय में अब हमें जाना है, एंटर करना है, तो हमें कौन सी वस्तुओं का, कौन सी चीज, हमें क्रिया विधि कैसे करनी है, कौन से सूत्र बोलने हैं, सूत्रों का रहस्य अर्थ, ये सब सब हम A to Z देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पांच अभिगम देखेंगे। अभिगम यानी कि क्या, जो डिसिप्लिन है, विनय है, मतलब एक प्रकार का विनय है। अभिगम मतलब कि विनय, या फिर जो प्रोटोकॉल जो फॉलो करना आवश्यक है, तो वो, या फिर डिसिप्लिन्स, कौन सी प्रकार की डिसिप्लिन्स हमें फॉलो करनी है, बराबर। तो ये हम समझने वाले हैं। आप कहीं पर भी जाओगे, समझो कि आप हॉस्पिटल में जाओगे, तो आपको वहां का क्या प्रोटोकॉल है, कि आपको यू हैव टू मेंटेन साइलेंस, साइलेंस मेंटेन करना है। वहां पर ICU वार्ड में आप ऐसे ही नहीं घुस सकते हो, बहुत कुछ चीजें होती हैं आपको फॉलो करनी पड़ती है। हर एक जगह में जाते हो, रूल्स होते हैं वहां के, डिसिप्लिन होती है, वो फॉलो करनी ही पड़ती है। पार्लियामेंट में जाओगे तो वहां पर भी कुछ रूल्स होंगे, आप कब बात कर सकते हो, स्पीकर आपको अनुमति देगा तो आप खड़े रह के बात कर सकते हो, वो सब हर एक चीज होती है ना, हर एक चीज, हर एक जगह के उसके रूल्स होते हैं, तो वो फॉलो आप करते ही हो। वहां पर आप जो फॉलो नहीं करोगे, तो जो गार्ड्स होंगे, तो पार्लियामेंट में जो मीटिंग रहेगा, वहां से निकाल देंगे आपको बाहर सीधा। हॉस्पिटल में आप जाओगे, उधर गड़बड़ करोगे, तो हॉस्पिटल में जो भी रहेंगे, वार्ड्स रहेंगे, जो भी रहेंगे, वो आपको सिक्योरिटी रहेंगे, आपको बोल देंगे कि चल निकलो यहाँ से, आपको तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो ये जो सावधानियां हैं, तो आपको जब जिनाले में जाओगे, तो वहां पर भी आपको ये सब रूल्स है, डिसिप्लिन है, प्रोटोकॉल है, विनय है, वो आपको फॉलो तो करना ही चाहिए, ऑटोमेटिकली फॉलो करना ही चाहिए, ये खास ध्यान रखना है, बराबर। आप जो भगवान को रिस्पेक्ट करते हो, दिल से आप रिस्पेक्ट करते हो, तो ये तो ऑटोमेटिकली विनय का पालन तो आपसे हो ही जाएगा, ये आपको कोई कंपलसरी, कोई खड़े रह के करवाएगा नहीं, बराबर। आपको अंदर से जो विनय है, प्रभु के प्रति आपको रिस्पेक्ट है, आपको वैसे भाव है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली आप फॉलो करोगे। तो बस हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि क्या डिसिप्लिन है, क्या रूल्स है, ये ध्यान रखना है, बराबर। हमारा जो, हमारे अंदर जो अभिमान है, जो अक्कड़पना है, वो सब निकाल देना है, ये खास ध्यान रखना है, बराबर। आप जब भी शूज एंड ऑल उतार के अंदर एंटर करते हो जिनाले में, तो शूज उतारना, पहले तो शूज पहनना ही नहीं है, जो पहन के आते हैं उनको उतारना है। शूज के साथ ही आपके जो राग द्वेष कषाय मान क्रोध जो भी है, सब उतार के आना है अंदर, बराबर, ये ध्यान रखना है। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सी वस्तुओं का ध्यान रखना। तो सबसे पहले है कि जो सचित वस्तुएं हैं, तो उसका त्याग करना है। यानी ये सचित वस्तुएं, यानी कि आपके पर्सनल यूज के लिए जो भी आप वस्तुएं यूज करते हो, वो सबको आपको लेकर नहीं आना है। जो आप लेके आए हो, तो जो सिक्योरिटी गार्ड है, तो वहीं पे आपको रख देनी है वो वस्तुएं। जिनालय है, देरासर है, उसके अंदर आपको वो सब लेकर लेकर एंटर नहीं होना है, ये ध्यान रखना है, बराबर। आपके पर्सनल यूज के जो भी दवाएं हैं, मेडिसिन हैं, लंच बॉक्स है, कितने जन क्या करते हैं कि ऑफिस में जाने वाले जो भी होते हैं, या फिर स्कूल वाले बच्चे, तो उनका बैग लेके ही अंदर आ जाते हैं। आप बैग लेके आ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, पर बैग के अंदर जो टिफिन बॉक्स है, मेडिसिन है, वाटर बॉटल है, तो वो सब फिर देव द्रव्य बन जाता है। वो उसका उपयोग आप फिर खुद के लिए, स्वयं के लिए, या फिर किसी और के लिए आप नहीं कर सकते हो। आप जो करोगे, तो देव द्रव्य भक्षण का भयंकर पाप लगेगा, उसके भयंकर दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो ये सब ध्यान रखना है, बराबर। तो आपके पर्सनल यूज के लिए जो भी खाद्य सामग्री है, या फिर सेंट है, परफ्यूम्स है, सौफ है, तो ये सब बाहर आपको रख देना है, बराबर। तो ये सब आपके जो जो भी ऑफिस जा रहे हो, या फिर स्कूल बैग वाले हो, तो उनको ये सब अंदर बैग्स आप लेके जा सकते हो, बट अब बाहर ही छोड़ दो तो वो ज्यादा योग्य है, क्योंकि अंदर फिर टिफिन एंड ऑल ये सब लेके नहीं जाना रहता है। बट समझो कि आप जो लेके लेकर गए ये सब अंदर, बराबर, ये जो खाने खाने का द्रव्य है, ये सब जो आप लेके गए, तो फिर उसका क्या करना चाहिए आपको, आपको लगेगा ये सब वेस्ट तो नहीं होना चाहिए, तो चलो मैं खा लेता हूं,
तो वो देव द्रव्य भक्षण का बहुत ज्यादा पाप लगेगा, आप खुद नहीं खा सकते, किसी और को दे नहीं सकते, सिर्फ एक ही व्यक्ति को आप दे सकते हो, वो है पुजारी जी। वो ध्यान रखना, जो देरासर में जिनाले में जो पुजारी जी होते हैं, तो उनको आप दे सकते हो, ये ध्यान रखना, उनको दे देना चाहिए। ठीक है, आपके घर में जो भी ये होते हैं ना, मेड होती है, मतलब सफाई करने के लिए जो भी आते हैं, या काम करने वाली जो लेडीज या जेंट्स जो भी आते हैं सफाई वाले या काम करने के लिए, तो उनको आप नहीं दे सकते हो, वो देवद्रव्य भक्षण का पाप आपको लगेगा, और वो तो अज्ञानी है, उनको पता नहीं कि वो क्या खा रहे हैं, उनको तो पता नहीं, तो ज्यादा पाप तो आपको ही लगना है, क्योंकि आपको पता है और आप उनको दे रहे हो, तो उनको नहीं दे सकते। आपको जो उनको देना है, तो आपके लिए जो बना है उसमें से आप दे सकते हो, घर पे जो बना है वो आप दे सकते हो, बट जो जिनाले के अंदर जो आप ले ले गए हो, देवद्रव्य हो चुका है बराबर, तो वो आप इनको नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पुजारी जी को आप दे सकते हो, ये खास ध्यान रखना है बराबर। और साधा जो आपके साधार साधर्मिक बंधु होते हैं, उनको भी आप नहीं दे सकते हो ये सब, तो ये सब वस्तुओं को ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो भी कितने जन क्या करते हैं, जो भी फूल के गजरे ये सब मोगरे पहन के लेडीज जा सकती हैं, तो ये सब हमें, ये सब शरीर की शोभा करके हमें नहीं जानी है, पर आपको जो ऑर्नामेंट्स है वो सब आप पहन सकते हो, सज धज के जा सकते हो, बट फ्लावर्स आप ऐसे इस तरीके से पहनकर आपको नहीं जाना है, ये ध्यान रखना। और जो पुरुष हैं उनको भी इस प्रकार की कोई भी क्राउन्स एक्सेट्रा ये सब पहन के अंदर नहीं जाना है बराबर, ये हमने समझ लिया। दूसरा, हम आगे देखेंगे कि तो हमें ये सब वस्तुएं नहीं लेके जाने, तो कौन सी वस्तुएं ले जानी चाहिए, तो ये सारी वस्तुएं हैं जो हमें ले जानी चाहिए, जैसे कि जो भी पूजा की सामग्री होती है वो सब वस्तुएं हमें ले जानी चाहिए अंदर, जैसे कि मोरपीच है वो आप रख सकते हो, क्योंकि मोरपीच कैसा होता है कि यूज कर करके वो फिर घिस जाता है बराबर, तो न्यू आप ले खरीद के आप वहां पे अर्पण कर सकते हो, ये वाड़ा कुंची है वो भी घिस जाती है, तो वो भी आप न्यू लेके आप खरीद के वहां पे रख सकते हो, या फिर एक पूरा एक छाप होता है ना, छाप, छाप के अंदर ये सारे के सारे मटेरियल्स होते हैं, तो वो पूरा एक छाप आप तैयार करके आप वहां पे अर्पण कर सकते हो देरासर में, सब वस्तुएं बराबर। फिर यहाँ पे कलश है, तो अच्छे मेटल्स के आप, आपकी जितनी शक्ति हो, शक्ति के हिसाब से आप जर्मन सिल्वर या गोल्ड, आप आपकी मर्जी है, आप दे सकते हो वहां पे अर्पण कर सकते हो, या फिर खुद के लिए आप लेके यूज कर कर वापस आप घर पे लेके आ सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो बराबर। फिर अंगलूछना है, मतलब कि जो सॉफ्ट मलमल के जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं, बड़े बड़े मीटर के साइज के, 1 मीटर के साइज के, इस प्रकार के आप ले सकते हो और वहां पे अर्पण कर सकते हो, क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा पतला होता है और बहुत जल्दी वो फट जाता है, क्योंकि हर रोज धोना पड़ता है ना इस कारण, तो ये भी आप वहां पे अर्पण कर सकते हो, खुद के भी लेके जा सकते हो। फिर दूसरा है ये सब पूजा की सामग्री, इसके अंदर केसर है, बरास, केसर, कर्पूर, कपूर, ये सब आप खुद का, आपको खुद का ही लेके जाना चाहिए पूजा करने के लिए, वहां पर जो यूज के लिए रखा गया है तो वो आपको यूज कर, आप जो वही चंदन से आप पूजा, चंदन आप यूज करोगे पूजा करने के लिए भगवान का, तो आपको उतना 100% लाभ नहीं होगा, क्योंकि उतना आपको, उतने प्रकार के आपको भाव भी नहीं आएंगे, पर जो आप स्वयं खुद का द्रव्य लेके जाओगे घर से, खुद का मेहनत से खरीदा हुआ, खुद के पैसों से खरीदा हुआ द्रव्य लेके जाओगे, मतलब कि केसर या फिर ये चंदन का जो लकड़ी है वो आप लेके जाओगे, और वही घिस के आप उसी से आप पूजा करोगे, तो आपके भाव कितने ज्यादा वो प्रकट होंगे, जितने ज्यादा अच्छे भाव उतना ज्यादा उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होगी, तो ये ध्यान रखना है कि ट्राई करना है कि खुद का ही यूज करना है बराबर। और जो फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स भी आपको खुद को खरीदने हैं, खुद के फ्लावर्स आपको लेके जाने हैं बराबर, वहां पे भगवान का जो आंगी है, अंग रचना करने के लिए, और कहलाया जाता है कि जितने भी जो फूल हैं, तो फूल, जिस भी फूल को वहां पे प्रभु के चरणों में एक जगह मिल जाती है, तो
तो वो कैसे होते हैं, उनको भवितव्यता की छाप मिल जाती है, मतलब वो भव्य होते हैं, भवी जीव होते हैं, बस उन्हीं को प्रभु के चरण में समर्पित होने का ये ऐसा लाभ प्राप्त होता है। वो भी सोचो कि वो प्रतिमा, पाषाण की बनी हुई प्रतिमा पर भी सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल भवी जीवों को ही, मतलब जो भी पुष्प भवी हो, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति जिनको होने वाली हो, बस वही प्रकार के जो पुष्प हैं उनको वहां पर एक जगह मिल सकता है। नहीं तो जो भवी ना हो, जिनको मोक्ष की प्राप्ति होने नहीं वाली, उस प्रकार के जो जिनके अंदर मोक्ष की योग्यता नहीं है, वो तो वहीं पे गिर जाएंगे फ्लावर्स, वो प्रभु के चरणों तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। ये ध्यान रखना है बराबर। तो आप समझ सकते हो कि भगवान की हर एक प्रतिमा, हर एक मूर्ति कितनी प्रभावी होगी, तभी जाकर सिर्फ भवी जीवों की को ही वही वहां पे स्थान मिल सकता है। जो प्रभु के मूर्ति में इतना प्रभाव ना हो, तो कोई भी अभवी का फूल भी वहां पर उसको स्थान मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार की चमत्कारिक और प्रभाविक प्रभु की प्रतिमाएं होती हैं, स्पेशली उनके अंदर जब आचार्य भगवंत प्राणों की पूर्ति करते हैं। उसके बाद फिर है धूप और दीप, ये सब भी वस्तुएं आपको खुद से लेके जानी है, तो भाव भी बहुत ज्यादा अच्छे प्रकट होंगे आपको, बेस्ट लेवल के भाव। तो ये सब वस्तुएं आपको लेकर जाना है। अब हम आगे क्या देखेंगे कि जब भी आप जिनालय के अंदर एंटर करो, तो जो भी पुरुष हो, तो उनको इस प्रकार से क्या करना है, खेस पहनना है बराबर। तो इसको कहते हैं उत्तरासन। तो खेस को इस तरीके से पहनना है, ये ध्यान रखना है। खेस जो शोल्डर्स है, उसके ऊपर खेस रखे बिना जिनालय के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, ये ध्यान रखना है बराबर। जिस तरीके से जो कोर्ट में जाना हो, तो कोर्ट में जाने के लिए जो बैरिस्टर्स है, लॉयर्स है, उनको एक प्रकार का ऐसा कोट पहनना पड़ता है काले कलर का, तभी वो वहां, मतलब वो एक ड्रेस कोड होता है, तो ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है कोर्ट में। जो जजेस है वो ऐसे ही शर्ट और पैंट में बैठ जाएगा, तो उसको कोई, मतलब वो इट इज आउट ऑफ प्रोटोकॉल, उसको ड्रेस कोड उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना। तो यही है जिनाले का एक ड्रेस कोड। जो भी जेंट्स हो उनको क्या करना पड़ता है, खेस है वो, खेस उनको रखना पड़ता है। फिर चाहे वो शर्ट पैंट में भी क्यों ना हो, शर्ट पैंट भी पहनेंगे, वेस्टर्न वेयर पहनेंगे, जीन्स टी शर्ट जो भी पहनेंगे, उसके ऊपर एक खेस धारण करना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, ड्रेस कोड हमें पालन नहीं किया, इस कारण प्रभु का अविनय होगा और आशातना होगी, और हमें पाप का बंध होगा, पाप कर्मों का बंध होगा, ये खास ध्यान रखना है। जो इंद्र महाराजा भी हैं, वे स्वयं भी, अभी इंद्र महाराज तो हाँ, यहाँ पर देखो आप इस फोटो में आप देख सकते हो कि इस इन इन श्रावक ने क्या किया है, शर्ट पहना है, शर्ट के ऊपर भी इस तरीके से खेस धारण किया है। बस इसी तरीके से आप भी जो पूजा करने ना आपको नहीं जाना है, इवनिंग में भी आपको बस पूजा ये आरती मंगल दी वो करने के लिए जाना हो, तब भी आपको शर्ट के ऊपर इस तरीके से घर से एक खेस को धारण करना आवश्यक है, खास ध्यान रखना है बराबर। इस प्रकार का एक खेस रखना चाहिए घर पे। जो देवलोक के जो इंद्र महाराज है, वे भी जब भी शक्रस्तव यानी कि नमुत्थुणम सूत्र कहते हैं, तब वे स्वयं भी इस प्रकार से खेस धारण करके ही चैत्य वंदन करते हैं प्रभु का, नमुत्थुणम सूत्र कहते हैं बराबर, उसका पाठ करते हैं। दूसरे पहले की जो राजा महाराजा भी थे, वे स्वयं भी मात्र राज दरबार में बैठने के लिए भी पहले तो खेस धारण करते ही थे, और उसके बाद ही जो उनका सिंहासन होता था, तो सिंहासन के ऊपर बैठते थे, विराजते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक राजा हैं, तो इन्होंने भी किस प्रकार से खेस का धारण को धारण किया हुआ है। आपने सीरियल्स कई कई माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी देखी होंगी ना टीवी में, उसमें भी देखे होंगे आपने देव देवों को, राजाओं को इस प्रकार से खेस धारण करते ही है ना। तो ये एक पहले से एक आर्य संस्कृति है, जो हम अभी वेस्टर्नाइजेशन के बाद हम ये सब भूल चुके हैं। तो ये सब देरासर में आप ऐसे ही जाओगे बिना खेस के, तो भगवान का अपमान हो जाएगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे समय हुआ है, तो नेक्स्ट जिन वचन विरुद्ध बोला गया हो तो
इच्छामि दुक्कड़म सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जति शासनम प्रणाम। आभार राजन, आभारी रल्पिन। आभार सो कोई ना, प्रणाम। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।